शैलेश जी, जी जी मन प्लीज। शैलेश भाई कुछ पंक्तियों में पिरोएं अगर आप एक भावना को, मतलब मेरी नजर में एक त्रेता युग में प्रभु राम का 14 वर्षों का वनवास था जी, कलयुग में संभवतः 496 वर्षों का वनवास, टेंटवास, आपकी जानकारी के लिए कल रात प्रभु राम की टेंट में अंतिम रात थी जी जी, वो गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। मैं तो, वहां भी दर्शन करके आया कुछ दिनों जी, पहले, दो हफ्ते पहले वहीं पर थे जी जी। तो इस भाव को अगर आप पंक्तियों में पिरोना चाहे कि एक वो टेंट, एक वो प्रभु का वनवास और अब एक ये टेंटवास जो खत्म होने जा रहा है। देखिए अमन, ये कविता करने का नहीं, ये देखो, ये कुछ कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप शब्दातीत हो जाते हैं। ये क्षण ऐसा है जो भाषा और शब्दों और भावनाओं सबसे परे। आप कितने कितने वर्षों की प्रतीक्षा, कितनी बड़ी कानूनी लड़ाई, कितनी कुर्बानियां, कितने घरों के चिराग जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन सब घटनाओं के बाद जब ये क्षण आया है तो यकीन मानिए ये बहुत अभिभूत करने वाला, ये भावुक करने वाला क्षण। और प्रभु का तो सारी दुनिया की प्रभु की बनाई हुई है, राम जहां भी रहे राम है, लेकिन वो स्थल जो उनकी जन्मभूमि है और वहां आज इतना बड़ा निर्माण और इस असाधारण रूप से कार्य हो रहा है, तो सचमुच ये कुछ ऐसी भावना है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। दुनिया में प्रेम के लिए संज्ञा है, वात्सल्य के लिए संज्ञा है, स्नेह के लिए है, भक्ति के लिए, सब चीजों के लिए संज्ञा है। इस भावना के लिए कोई संज्ञा नहीं है, कोई शब्द नहीं। आप जब दो हफ्ते पहले दर्शन करने गए शैलेश भाई, नहीं मैं निजी आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूं, जब मैं करने गया तो वो सीखचों के बीच में 3-layer सिक्योरिटी जी, मैं गया टेंट में रखे हैं प्रभु राम। मैं शायद बहुत दुख हुआ CNN के किसी कार्यक्रम के लिए, मुझे पता है आनंद के साथ जी, आनंद नरसिम्हन के साथ, और मैंने कहा था कार्यक्रम भले कितने बजे भी कर लो मैं पहले दर्शन करूंगा फिर आऊंगा जी जी। तो वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था कि वहां पर जब देखा प्रभु राम को लगा जैसे जेल में है, जैसे कैद में है जी जी, टेंट में है। वो भाव आपके क्या थे और अब आप जब भव्य राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वो भाव में क्या परिवर्तन? देखिए उस भाव में मैं आपको, मैंने कहीं सुना था आप इससे भाव समझ लें, क्योंकि तो आप तो खुद पत्रकार हैं, प्रखर हैं, भाव समझते हैं। एक विचारक के मुंह से एक बात सुनी थी मैंने पिछले दिनों, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने कहा था, किसी ने किसी से पूछा कि तराजू के एक पलड़े में अगर तुम्हें रखा जाए और दूसरे पलड़े में प्रभु श्री राम रखे जाए तो किस पलड़े का भार ज्यादा होगा? आप विचारक देखें, उनकी कल्पना शक्ति देखें, क्या बढ़िया बात उन्होंने कही कि एक तराजू के एक पलड़े में तुम्हें रखा जाए, दूसरे पलड़े में प्रभु श्री राम रखे जाए तो किस पलड़े का भार ज्यादा होगा। ये भावना जो व्यक्त कर रहा हूं मैं आपको, जो अभी इस वक्त महसूस कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जिस पलड़े में मैं होऊंगा उसका भार ज्यादा होगा। बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक पलड़े में प्रभु श्री राम स्वयं है, दूसरे पलड़े में तुम इंसान, तुम्हारा भार ज्यादा होगा? बोले हां ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम है, दूसरी तरफ मैं भी हूं और मेरे दिल में बसे प्रभु श्री राम भी। तो ये वही भावना है कि जो हृदय में है अद्भुत है, उस टेंट से निकल के जब निर्माण में देखता हूं तो लगता है कि राष्ट्र सही राह पे है, हमें लगता है कि हम ठीक मार्ग पर हैं। ये जय श्री राम, यही राम राज्य की परिकल्पना है आपके हिसाब से? देखिए राम, जैसे कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश, संभव है, निश्चित तौर पर संभव है। रामराज जहां अनीति नहीं हो, रामराज जहां संभाव हो, रामराज जहां सभी प्रसन्न हो, खुश हो, संतुष्ट हो, भक्तिभाव से रहे, और क्या चाहिए। टाट से ठाट तक का सफर जिसके लिए सपने देखे गए, संघर्ष किया गया और प्रतीक्षा भी की गई, शंकाओं के घेरे में प्रतीक्षा की गई कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी ये पूरी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, जो न हो रहे हैं वो भी जी जी। देखिए वो तो एक सीमित, मैं वही आ रही थी कि हम भी सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम देख पा रहे हैं भव्य राम मंदिर को बनता हुआ, रामलला को विरासते हुए। सबसे बड़ी चीज, हमारी पीढ़ी जो सामने लोग बैठे, हमने वो आंदोलन देखे हैं जी, हमने वो शिला पूजन देखे हैं, हमने शिलाओं पे श्री राम का नाम लिखा देखा है। मैं राजस्थान जोधपुर से आता हूं, मैं वहां के जो कार सेवक थे डॉक्टर महेंद्रनाथ अरोड़ा, कोठारी बंधु दो जो बीकानेर के थे, सेठाराम परिहार, हमने जी जी हाँ, तो उन लोग हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी, और उस प्रक्रिया के बाद जब आप इसकी परिणति देख रहे हो, परिणति इतनी सुखद देख रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सपना साकार हो पा रहा है, हम सब खुद को सौभाग्यशाली मान पा रहे हैं, श्रेय किसको दिया जाए? क्योंकि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब हो भी रहा है राम काज तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लड़ाई किसने लड़ी?